हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईपीएल से जुड़ी एक और वीडियो में। जैसा कि दोस्तों बड़ी खबर में बात करेंगे आईपीएल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल के मेगा ऑक्शन को शुरू होने में अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं और आईपीएल की सभी टीमों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल में खेलने वाले उन ओवरसीज तेज गेंदबाजों के बारे में जो आईपीएल साल 2022 में धमाका कर सकते हैं और आईपीएल की हर एक टीम उनके पीछे जाएगी और बड़े दांव लगाएगी, खास करके लखनऊ और अहमदाबाद। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए और आगे बढ़ने से पहले वीडियो का एक लाइक कर दीजिए। और अगर आप भी मेरी तरह क्रिकेट के फ़ैन हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े वाले फ़ैन हैं, फिर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर मैं आपको देते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जिस खिलाड़ी का नाम चर्चे में है वो खिलाड़ी है दोस्तों मिचेल स्टार्क। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों को मालूम ही होगा कि ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क कितने घातक गेंदबाज हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ये खास कर मिडिल और डेथ ओवर्स में काफ़ी इफेक्टिव साबित होते हैं। आप सभी लोगों को मालूम ही होगा कि ये पिछले 5 से 6 साल से आईपीएल नहीं खेले हैं। हाँ, ये उसके पहले 2014 में खेले थे आईपीएल में बेंगलुरु टीम की तरफ से, पर दोस्तों उसके बाद से ये आईपीएल खेले नहीं है। आपको दोस्तों बता दें कि मिचेल स्टार्क बहुत ही अच्छे एक तेज गेंदबाज हैं, ये अपने नेशनल को पहले लाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अगर कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो या चैम्पियंस ट्रॉफी या वर्ल्ड कप, कोई भी बड़ा टूर्नामेंट हो तो मिचेल स्टार्क उसके लिए अपने को तैयार करते हैं। उसके पहले जितने भी T20 लीग्स होती हैं, चाहे IPL चाहे बिग बैश लीग या कोई भी लीग हो, वो नहीं खेलते हैं, वो पहले अपने नेशंस को आगे देते हैं। पर दोस्तों आपको बता दें कि इस बार साल 2022 के मेगा ऑक्शन में मौजूद रहेंगे और इस बार तो कोई टूर्नामेंट भी नहीं है साल 2022 में, साल 2023 में T20 वर्ल्ड कप है, तो हो सके मिचेल स्टार्क इस बार एक और नई टीम की तरफ से खेलते हुए दिख सके। वैसे इनका नाम तो मेगा ऑक्शन में है और जहाँ तक ये खबर पक्की है कि ये खेलेंगे इस साल आईपीएल साल 2022 में। तो दोस्तों हो सके आईपीएल की हर एक टीम इनके पीछे जाना चाहे, खास करके दोनों नई टीमें लखनऊ और अहमदाबाद। अब दोस्तों अगले खिलाड़ी की बात करते हैं। वो खिलाड़ी है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के एक और तेज गेंदबाज पैट कमिंस। जी हाँ दोस्तों, पैट कमिंस काफ़ी अच्छे तेज गेंदबाज माने जाते हैं। हाल ही में इन्हें टेस्ट टीम का कप्तान भी बना दिया गया है जब से टीम पेन हटे हैं। पर दोस्तों अभी चोट के कारण ये तीसरे टेस्ट में बाहर हुए थे, तो उसके जगह पे स्टीव स्मिथ को बनाया गया था, पर टेस्ट के इस टाइम प्रेजेंट में तो यही कप्तान है पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के। और दोस्तों आपको बता दें कि पैट कमिंस पिछले 5 से 6 साल से आईपीएल खेले जा रहे हैं और उनका एक्सपीरियंस भी काफ़ी हो गया आईपीएल में। ऐसे में आईपीएल की हर एक टीम इनके पीछे ये जाना चाहेगी। पिछले 2 से 3 साल से ये कोलकाता नाइट राइडर्स से खेल रहे थे। कोलकाता नाइट राइडर्स ने दोस्तों पैट कमिंस को 14.5 करोड़ में ख़रीदा था, पर उन्हें रिलीज़ करना पड़ा बिकॉज ऑफ उनके प्राइस की वजह से, वो इतने महंगे थे। पर वो ऑक्शन में मौजूद रहेंगे और हो सके कोलकाता नाइट राइडर्स वापस इनके पीछे जाना चाहे ऑक्शन में और इन्हें अपने टीम में लेना चाहे। पर दोस्तों इसके अलावा आईपीएल की सभी टीमें पैट कमिंस के पीछे जाएंगी, खास करके लखनऊ और अहमदाबाद, क्योंकि इन दोनों ही टीमों को कई अच्छे तेज गेंदबाजों की ज़रूरत है। तो उसमें से पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क बहुत अच्छे विकल्प रहेंगे इस मेगा ऑक्शन में। और अगले खिलाड़ी की बात करें तो वो खिलाड़ी है दोस्तों मार्को जेनसन। जी हाँ दोस्तों, मार्को जेनसन साउथ अफ्रीका के काफ़ी अच्छे तेज गेंदबाज माने जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये अभी काफ़ी युवा तेज गेंदबाज हैं, इन्हें के ऊपर आईपीएल की हर एक टीम जा सकती है। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग इंडिया वन साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज देखे रहेंगे, पहले टेस्ट में इन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की और ये पिछले साल मुंबई इंडियंस टीम से जुड़े भी हुए थे, पर इस साल 2022 के मेगा ऑक्शन में मौजूद रहेंगे और इनके पास स्विंग भी है और गति भी है और प्लस ये डेथ ओवर में यॉर्कर्स भी अच्छे खासे फेंक लेते हैं। तो ऐसे में आईपीएल की हर एक टीम जरूर इनके पीछे जाएगी, खास करके लखनऊ और अहमदाबाद, इन दोनों ही टीमों को अच्छे गेंदबाजों की ज़रूरत है। तो उसमें से एक अच्छे विकल्प रहेंगे मार्को जेनसन अगर पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क को नहीं ले पाते हैं तो। तो यह कुछ तेज गेंदबाज थे दोस्तों जिनके ऊपर बड़े दाव लग सकते हैं आईपीएल 2022 में। इसके अलावा हम आपको और भी तेज गेंदबाज बताएंगे ओवरसीज जिनके ऊपर बड़े दाव लग सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी से छोटी अपडेट्स आपके लिए लाते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।